आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। निहाल चाचू, मैं जा रही हूँ। पीजी, चाय जी, मैं जा रही हूँ। सब लोग कितने हैं, पर पता नहीं मेरे वीर जी कितने चले गए। मेरे वीर जी क्यों नहीं आए? मैंने वीर जी से मिले बिना ही जाना पड़ेगा कि अब तक तो मेरी वीरा भी चली गई होगी। वीर जी कितने चले गए? छोटे चंद को कितने देखा? सारे घर में देख लिया मैंने छोटे चंद को, कितने भी नहीं है। तूने देखा? नहीं चाची, मुझे भी नहीं दिखा। मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाके देख लेता हूँ। एक मिनट निहाल सिंह जी, रणवीर चिट्ठी लिखकर गया है। क्या लिखा? मैं लिखा है कि वीरानु जाते नहीं देख सकता, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। वीरा के जाते ही वापस लौट आएगा। मेरे ख्याल से रणवीर ने जो सोचा है ठीक ही सोचा है। शायद थोड़ी देर बाहर रहेगा तो अपने आप को संभाल पाएगा। वीर जी, आप कितने हो? तेरा वीर पुत्र थोड़ी देर वास्ते बाहर गया है। क्यों, तेरे को कुछ काम है? चाहे जी, मैंने वीर जी से चोटी बनवानी है। हाँ पुत्र, मैं हूँ ना, ला मैं बना देती हूँ तेरी गुत। हाँ बना दो चाहे जी, पर वीर जी है कितने? ओए हुने ते दसिया मैंने तेरे को, किसी काम वास्ते बाजार गया है कुछ सामान लेने के वास्ते, आ जाएगा हुन। ला मैं बना देती हूँ ना, आज सोच के खुश हो रहे हो कि आप मैनू इत्थे से ले जाओगे, पर देखना मैं इतनी बदमाशियां करूंगी कि आप मैनू वापस इत्थे छोड़ने आओगे। अरे वाह मुच्छाई जी, आप तो एकदम अच्छे से मेरी चोटी बना रहे हो। कंघी भी नहीं चुभ रही है और मेरे बाल भी नहीं खींच रहे हैं। लगता है मेरे वीर जी ने आपको चोटी बनानी एकदम अच्छे से सिखा दी है। पर अभी मैं जिस पिंड में जाऊंगी उत्थे तो आप नहीं आ पाओगे ना।
वीर जी भी नहीं आ पाएंगे। आप पिछले तो मेरी छोटी कौन बना रहा है? लगता है मेरे वीर जी आ गए चुपके से और वो मेरी छोटी बना रहे हैं। बीजी उबले बले उबले बले उबले बले उबले बले भाभी जी, आपने तो बिल्कुल मेरे वीर जी जैसे छोटी बनाई है। तेरी छोटी बन गई है, जा जाकर नाश्ता कर ले। आप जरा मेरे कमरे में आएंगी? मैंने उनसे मिले बिना जाना होगा कि चल मेरी चीचड़ी नाश्ता कर ले, फिर तेरे को जाना भी तो है ना। मैं जा रही हूँ। बीजी चाय जी मैं जा रही हूँ। सब लोग कितने हैं पर पता नहीं मेरे वीर जी कितने चले गए। मेरे वीर जी क्यों नहीं आए? मैंने वीर जी से मिले बिना ही जाना पड़ेगा कि अब तक तो मेरी वीरा भी चली गई होगी। काम कर पुत्र, ये बादाम खा तू। रणवीर पुत्र बादाम खाएगा ना तो तेरा दिमाग तेज चलेगा और फिर तुझे जल्दी बड़ा भी तो होना है। नहीं नहीं चाचू, मैंने भूख नहीं है। देख रणवीर, बादाम का ना भूख से कोई लेना देना नहीं होता, बादाम ऐसे ही खा लेते। ले खा। फिरा क्या देख रहा है पुत्र? रेहाल चचू देखो मेरी भी रहती है, तो देखो ऊपर खड़ी है वो। वहां कोई नहीं रंगे। रेहाल चचू उठे देखो, सामने मेरी वीरा खड़ी है, हंस रही है वो। देख रंगे पुत्र, मैं जानता हूँ तो वीरा से बहुत प्यार करता है, पर वो नाना नानी के साथ जा चुकी है, आज ही गई, नहीं है यहाँ पे वो। किधर चला गया था तू सुबह सुबह? वीरा कितना इंतजार कर रही थी तेरा, फिर उसके जाने का वक्त हो गया तो वो चली गई। ले दूध पी ले,
सुबह से तूने कुछ ना खाया ना पिया? नहीं बीजी, मैंने दूध नहीं पीना। बेहतर है, चल छेती छेती पी। देख तू दूध नहीं पिएगा ना तो फिर बड्डा कैसे होगा? चल पी ले। पी लो ना बीजी। पी जाओ। बीजी, बीजी वीरा। हाँ जल्दी। वीरा के वास्ते तेरे को जल्दी जल्दी बढ़ा होना है ना। चल दूध पी ले। नहीं बीजी, वीरा सामने खड़ी है देखो। हाँ पुत्र, वीरा नहीं है, गई वो पुत्र। नहीं शायद जी वीरा है। पुत्र, वीरा चली गई है। नहीं बीजी, वीरा मेरे सामने खड़ी है। नहीं है पुत्र वीरा। क्या क्या वीरा तो है ही नहीं, सिर्फ मन में दिख रही है। बीजी वीरा को गए हुए थोड़े घंटे भी नहीं हुए और मैंने अभी से ही वीरा की याद आ रही है। मैं कुछ सालों तक वीरा के बिना कैसे रह पाऊंगा बीजी? बीजी मेरे बिना? पर मैं तो इतने हूँ आपके सामने, आपके साथ। बीजी ये तो असली वाली वीरा लग रही है। चाय जी, वीरा के नाना नानी इसे लेकर नहीं गए कि? पर चाय जी, मैंने तो उनकी जीप बाहर देखी थी। पुत्र गल ऐसी हुई कि सवेरे सवेरे जब वो जा रहे थे ना तो इसके नाना जी ने हमको बताया कि वीरा तो अपने वीर जी को छोड़ के कितने जा रही है। मैनू कितने भी नहीं जाना है मेरे वीर जी छोड़ के, पर आप मैनू ले जा रहे हो। मेरा दिमाग खराब है जो तेरे जैसी बदमाश लड़की को अपने साथ ले जाऊं? वो भी अपने पिंड अपने घर। तू इथी रह, इसे पिंड च इसे घर च, वो हमारे बस की बात नहीं है। अब सच कह रहे हो नाना जी कि मैं आपके साथ आपके पिंड नहीं आ रही हूँ? हाँ पुत्र, मैं सच कह रहा हूँ, तू हमारे साथ नहीं आ रही है। अब तू चाहे तो अपने कमरे में वापस जा सकती है। छड़ दे मैनू, मेरी सांस लुट रही है। माफ करना बहन जी, मैं अपने स्वार्थ में बिल्कुल अंधा हो गया था। और जिस रिश्ते को रब ने खुद जोड़ा हो उसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हमें समझ में आ गया है कि वीरा जितनी आप लोगों के साथ अपने वीर जी के साथ खुश रहेगी उतनी हमारे साथ हमारे पिंड में खुश नहीं रहेगी। मैंने लग गया सी कि हमारा दो चार दिनों का प्यार इस रिश्ते को कमजोर कर देगा, लेकिन नहीं, दो चार दिन तो क्या, दो चार जन्म भी इस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकते। माफ करना रतन जी,
मेरी बेटी ने जो दुख दिया था आपको, मैं शायद उससे भी बड़ा दुख आपको और आपके पुत्र को देकर जाने वाली थी, पर रब दा शुक्र है कि उसने सानू सही रास्ता दिखा दिया। ये वीरा की अमानत है, वीरा के साथ ही आपको वापस दे रही हूं, लीजिए। बहन जी, इतने दिन आपके साथ रही, अनजाने में अगर आपका दिल दुखाया हो तो उसके लिए माफ कर देना। बाबू जी, आपने ना ये फैसला लेके बहुत सारी जिंदगी बचा ली, आपका बहुत बड़ा उपकार जी। मेरी वीरा मेरे साथ ही रहेगी हमेशा। ओ बल्ले बल्ले, वीरा मेरे चढ़ के नहीं जा रही। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। बस करो, अभी स्कूल नहीं जाना क्या? हाँ पुत्र, स्कूल की तो देरी हो रही, चलो छेती छेती करो। हाँ वीरा, चल के तैयार हो जा, गुरुद्वारे जाते हुए स्कूल चले जाएंगे। वीरा रुक, कल तेरा जन्मदिन था ना, अभी काम करिए, टॉफियां तेरे क्लास के बच्चों को खिलाना, सब बहुत खुश होंगे। देखो, लेकिन हाँ वीर जी, मैं आज स्कूल के कपड़े नहीं बाहर के कपड़े पहन के जाऊंगी, जैसे बच्चे पहनते हैं जन्मदिन में। है ना वीर जी? हाँ वीरा, चल जल्दी से तैयार हो जाते हैं। रतन जी, वो एक घंटे में चौधरी आने वाला है धान का पैसा देने के लिए, आप आ रही हो ना? जी जी, पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूं। रब दा लख लख शुक्र है कि वीरा इस घर से नहीं गई, अगर वो चली जाती तो अपने साथ रणवीर की हंसी भी ले जाती। मैं रोटी बना देती हूँ। तुझे इस बात की भी चिंता थी रतन कि वीरा अपनी हंसी भी यहीं छोड़ जाती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।